हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अस्परनामा और मैं हूँ अस्पर। सो गाइस, आई नो आपके दिमाग में पहले यही चीज़ आ रही होगी कि अस्पर दी तबीयत ठीक नहीं आपकी, अस्पर दी आप बड़े कमजोर दिख रहे हो, अस्पर दी क्या हो गया, क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी तबीयत एकदम सही है, बस यही बात है कि मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ। यस, तो एक्चुअली मैं एक वीडियो शूट करने वाली थी, बट उसके लिए मुझे रेडी होना था। देन आई थॉट कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां मुझसे आए दिन रिक्वेस्ट कर रही थी कि दी प्लीज़ अपना मेकअप रूटीन शेयर करिए। सो व्हाई नॉट, सो हेयर आई एम विद दिस वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी दैट हाउ आई गेट रेडी फॉर माई शूट्स। ओके, तो ये जो मेकअप होने वाला है ये मैं बेसिकली शूट्स के लिए करती हूँ, जो कि बहुत लाइट होता है, मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ। और दूसरी बात, अगर आप मेरे हाथ को नोटिस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली मैंने अपनी अम्मी के हाथ और पैरों में और बालों में मेहंदी लगाई थी, वो पत्ते वाली जो होती है ना, तो वो मैंने मेहंदी लगाई तो मेरे हाथ में भी लग गई। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं अपना स्किन केयर कर चुकी हूँ, और किस तरह से मैं अपना स्किन केयर करती हूँ, क्या क्या स्टेप्स करती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। एंड ऑल द बॉयज़, अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं देन यू आर फ्री टू स्किप दिस वीडियो, बट प्लीज़ कोई भी नेगेटिव या फिर हेट कमेंट मत दीजिएगा। ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ उन सभी प्यारी लड़कियों के लिए जो मुझसे रिक्वेस्ट करती थी कि दी हमारे साथ शेयर करिए दैट हाउ यू गेट रेडी फॉर योर शूट, बिकॉज उनको मेरा मेकअप अच्छा लगता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहता है मेरे लिए मेकअप में, वो होता है कंसीलिंग द डार्क सर्कल्स। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स हैं, एंड मैंने इसके लिए बहुत सारे रेमेडीज ट्राई करी हैं, बट कोई भी काम नहीं करती हैं, क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट होते हैं उसके बाद प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपके आईज़ के नीचे डार्कनेस आ जाती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बट बहुत ज़्यादा है देन ऑब्वियसली यू हैव टू सी अ डर्मैट, अदरवाइज आप इसको कंसील कर सकते हैं। सो कंसीलर के लिए आई यूज़ दिस एले गर्ल प्रो कंसील, जो कि 600 to 700 की रेंज में आता है। आई नो कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, तो मेरे पास आपके लिए अफोर्डेबल ऑप्शन भी हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर, ये आपको ईजिली 150 to 200 की रेंज में मिल जाता है। एंड देन उसके बाद है मेरे पास वेट एंड वाइल्ड कंसीलर, ये आई थिंक 300 की रेंज में आता होगा। सो ये दो ऑप्शंस हैं, मैं इसको यूज करती हूँ अंडर माय आईज लाइक दिस। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता क्योंकि लेस इज मोर, एंड इसको मैं यू नो बफ करती हूँ विद दिस ब्रश। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी कवरेज आती है कंसीलर की। सी, जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है ना ब्रश पे, वो मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर देती हूँ। सी द डिफरेंस, ये कितनी ब्राइट और ओपन अप लग रही हैं, एंड यहाँ पर ब्लेंड करना बाकी है। आई अप्लाई लिप एंड चीक टिंट, जो कि है फ्रॉम दिस ब्रांड जस्ट हर्ब्स, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड, तो मैं ये अप्लाई करती हूँ। तो बहुत थोड़ा आपको लेना होता है क्योंकि बहुत पिगमेंटेड होता है। सो नाउ आई विल अप्लाई इट ऑन माई चीक्स। सो ब्लश इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप, मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है। आई ऑल्सो अप्लाई इट ऑन माई नोज एंड माई चिन। बहुत ही हल्का सा, एंड जो भी मेरे फिंगर पे है ना उसको मैं अपने आईलेट पे भी अप्लाई करूंगी। बहुत ही अच्छा सा कलर आता है आपके आईलेट पे, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। सो ये जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट भी आपको आई थिंक 500 की रेंज में पड़ता है। इससे अफोर्डेबल ऑप्शन भी है मेरे पास TNW का, वो भी बहुत अच्छा है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। नाउ आफ्टर दिस स्टेप आई यूज़ द लूज पाउडर। ओके, सो ये है मेरे पास द लूज पाउडर, ऑल्दो ये फॉक्यूलर आपका दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में ये मेकअप रेवोल्यूशन का है, मैंने इसका जो पाउडर है इसमें शिफ्ट कर लिया था। ओके, बट दोनों ही अच्छे थे। सो मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली लूज पाउडर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी स्किन जो है मैट हो जाए। इस तरह से इस पफ के थ्रू ही आई विल अप्लाई अंडर माई आईज एंड ऑन माई फेस एज वेल। कैन यू सी द डिफरेंस, ये साइड कितनी मैट लग रही है एंड ये साइड कितनी ज्यादा शाइनी लग रही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस लूज पाउडर। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट में थोड़ी सी कवरेज होती है, लूज पाउडर में कवरेज नहीं होती है। इट इज जस्ट टू सेट योर फेस। इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, बट नेक पर भी अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें।
आफ्टर दिस आप मेरी आईब्रोज देख सकते हो, अनइवन लगती हैं थोड़ी सी, तो इसको इवन करने के लिए मैं यूज करती हूँ आईब्रो पाउडर, एंड फॉर दैट आई यूज दिस वेट एंड वाइल्ड आईब्रो पाउडर। ये एक्चुअली पूरी किट है, इसमें आपको वैक्स भी मिलती है, आपको कलर मिलता है, एंड यू ऑल्सो गेट दिस ब्रश। अगर आप एक बहुत ही अच्छी आईब्रो किट लेना चाहते हैं देन आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है बट आप यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत काम में आने वाला है। इसमें आपको इवन ये प्लकर भी मिलता है इनकेस आपके आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर्स है, तो यू कैन इवन प्लक दोज हेयर्स एज वेल। सो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। सो इसको भी ना बहुत नेचुरल लगती है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि मैंने आईब्रो पे कुछ अप्लाई करा है। हल्का सा इनर साइड पर भी आई विल अप्लाई। सी नाउ इट्स कंप्लीट एंड लुक एट दिस, मतलब आईब्रो से आपको पूरा फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक आईब्रो को ग्रूम करना नहीं शुरू करा है, स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि इससे पूरा आपका फेस चेंज हो जाता है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मिलती है। बहुत ही हल्के स्ट्रोक में लगाना है आपको, एकदम से ज्यादा प्रोडक्ट मत लेना अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये वाली आईब्रो जो है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली मेरी, इसमें मेरी चोट लगी थी बचपन में, तो इसलिए कुछ जगह पर हेयर्स नहीं है, इसलिए थोड़ी सी अनइवन लगती है, एंड थोड़े से हेयर्स भी कम है इन कंपैरिजन टू दिस वन, दिस राइट वन। एंड इसके बाद आई यूज़ दिस पुली जिससे मैं अपने आईब्रो को कॉम करती हूँ। सो यू कैन इवन स्किप दिस स्टेप अगर आपको नहीं ज़रूरत, बट मुझे पसंद है क्योंकि इससे क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट आपका, तो और ज़्यादा नेचुरल लगती है आईब्रोज। ओके नाउ वी आर लेफ्ट विद द लिपस्टिक, बट लिपस्टिक यूज़ करने से पहले आई यूज़ अ लिप लाइनर। सो ये मेरे पास है बेला वो स्टिक है, इट्स अ वेरी गुड न्यूड कलर, मुझे न्यूड ही बहुत अच्छे लगते हैं लिप कलर्स। तो पहले मैं लिप लाइनर अप्लाई करूँगी, उसके बाद आई विल यूज़ द लिपस्टिक। एंड नाउ आई विल यूज़ माई फेवरेट लिपस्टिक, एंड इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी। एक बार मैंने स्टोरी पे शेयर करा था तो बहुत सारी लड़कियाँ पूछ रही थी कौन सी लिपस्टिक है ये। सो दिस इज़ फ्रॉम डिसगाइज कॉस्मेटिक्स एंड ये है शेड 14। बहुत प्यारा न्यूड कलर है, सी मुझे ऐसा कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। सी कितना प्यारा लुक आया ना, तो ये मैं यूजुअली यही वाला लुक करती हूँ। इन केस मेरा मन है कुछ एक्स्ट्रा करने का, थोड़ा यू नो एक्स्ट्रा ड्रामा ऐड करने का, तो मैं उस केस में दो चीज़ें ऐड करती हूँ। वन इज़ दिस मस्कारा एंड अनदर वन इज़ दिस आईलाइनर। तो ये दो चीज़ें मैं यूज़ कर सकती हूँ इन केस मेरा मन है थोड़ा एक्स्ट्रा करने का। तो ये मस्कारा है फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क द हाइपर कर्ल। ये जो पेंसिल है ये ब्राउन कलर की है, मुझे ब्राउन ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत नेचुरल लगती है। सो दिस पेंसिल इज़ फ्रॉम पैक, ये महंगी है, एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी है इसमें, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी, इसका भी दे दूँगी। एंड देन इसकी बैक साइड पर ना एक स्मजर मिलता है, तो मैं इससे स्मज भी करूँगी इसको। लाइनर इज डन, नाउ इट्स टाइम फॉर द मस्कारा। बहुत हल्की कोट अप्लाई करनी है। ये जो लुक है ना, इसको करने में मुझे मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। वीडियो में आपको लग सकता होगा कि ज़्यादा टाइम लेती हूँ, नहीं, मैं 3 से 4 मिनट में इस तरह से रेडी हो सकती हूँ बहुत ही आराम से। एंड यही लुक मैंने किया था जब मैं सी ए डे के सेलिब्रेशन पर गई थी। उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस मेकअप लुक के लिए यूज़ करे हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा इनके अफोर्डेबल ऑप्शंस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि इन केस यू वांट टू बाय तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। यस गाइस, बहुत ही ईजी पीजी, बहुत ही नेचुरल लुक था ये। आई होप आपको पसंद आया होगा, स्पेशली ऑल माई गर्ल जो कि इतने दिनों से मुझसे पूछ रही थी। आई होप कि अब आपको आंसर मिल गया होगा, पता चल गया होगा। इन केस आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगती है देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करेगा एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। एंड मैं आऊँगी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके लिए फिर से। विद दिस आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।